जी मान्यवर हमें 5 दिन यानी कि 120 घंटे हो गए हैं भूखे बैठे हुए 11 व्यक्तियों को, और एक गांव पड़ता है अपने बिजनौर में रामपुर चट्टा प्रतापगढ़, इसमें ना तो आज तक कोई रास्ता है जब से देश आजाद हुआ है और ना ही बिजली है। और एक नई समस्या हो रहा है कि जो नदी बह रही है वो करीब 400 बीघे के आसपास जंगल खत्म भी कर चुके हैं, बिल्कुल गांव के बिल्कुल निकट आ चुकी है, 50 मीटर की दूरी पर नदी बह रही है, जिसकी हमारे यहाँ 3 मांग है, तो वो गांव में बिजली की, सड़क की और उस नदी में बांध लगवाने की, जिसको लेकर हम पिछले 5 दिनों से यहाँ पे धरने बैठे हैं, लेकिन अभी तक डीएम साहब का कलेक्ट्रेट में एंट्री भी नहीं हुई। हम तो यही चाहते हैं कि गांव में सड़क बन जाए, वहां पे पढ़ने की सुविधा हो जाए, लाइट हो जाए, बिना लाइट के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। पत्रकार महोदय, ये तो आप जैसे भाई हैं और हम हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, आला अधिकारी तो ऐसे है, भ्रष्टाचारी जहां होगी उसमें भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन जहां कार्य सही करना ना वहां बिल्कुल नहीं आएंगे। जहां पे 2 रुपए से बचते हैं अधिकारियों को वहां पे जाते हैं अधिकारी, जहां पे कार्य सही मायने में करना चाहिए वहां पे कार्य नहीं करते। हमारे गांव में जब से आजाद हुआ हमारा देश, हमारे गांव में ना तो बिजली है ना सड़क है, नदी कटान कर रही है, और प्रीतमगढ़ में एक कठियारी पड़ रही है, वहां पर बहुत परेशानी है लोग, यानी पिछले बार भी 2 मर गए, इस बार भी एक बच्ची बह गई थी, यानी ना तो हमारे गाँव में सड़क है ना बिजली है और ना कहने का मतलब बंदे हैं, सब कुछ मिले कोई अनदेखी कर देते हैं सब। 5 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे बैठे, हमारे आदमी का दम निकलने को जा रहा है, लेकिन कोई अधिकारी आकर भी नहीं पूछ रहा कि यानी भाई तुम कैसे हो क्या है। परसों तीन बंदों की हमारी यानी तबीयत खराब हो गई थी यहाँ से, यानी हमने भेज दिया, तो उन्होंने रात के 1:30 बजे कह दिया चले जाओ। तो ये कहाँ का शासन है, किस तरह की क्या है, यानी हम तो जंगली जानवरों को तो आज तक ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि मान लो पहले 75 साल पहले थे, वैसे हम आज हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम यहीं रहेंगे चाहे मर जाएं।